हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेयर शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल शे मैनी एक पे। गाइस, आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग जो था कैलाश मंदिर के ऊपर, मेरे एटा के ऊपर, वो आपने इतना पसंद किया, आपको इतना अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो है ही इतना खास, पसंद आएगा ही, थैंक यू सो मच उसे पसंद करने के लिए इतना। तो दोस्तों, आज हम नए व्लॉग के साथ आए हैं कोई नई जगह पे। तो आज मेरी सिटी में नहीं हूँ, आज मैं हूँ आगरा में और यहाँ हम आज आए हैं चोखो जीमर पे खाना खाने। जी हाँ, चोखो जीमर पे खाना खाने जाएंगे आज और आपको दिखाएंगे वहाँ का सब कैसा प्लेट है, बहुत फेमस है और बहुत से लोग जानते हैं पर कुछ तब भी नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा चोखो जीमर के बारे में पूरा, कि थाली कैसी है वहाँ की, कैसा सब खाना मिलता है वहाँ पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो, शेम नहीं है, और साइड में बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। तो आइए चोखो जीमर चलते हैं और दिखाते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं चोखो जीमर में रेस्टोरेंट में, अब वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं क्या लिखा। चोखो जीमर मारवाड़ी जैन भोजनालय, आ चुके हैं यहाँ पे और अब अंदर से दिखाते हैं कैसा है। बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, बहुत फेमस है, पूरा दिखाएंगे आपको। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस, ये थाली है चोखो जीमर की, ठीक है, जिसमें मिलता है बूंदी का रायता, सूखे आलू, मटर पनीर मखाने, दाल, खीर, चटनी, अचार, सलाद, चावल और साथ में मिस्सी की रोटी, गेहूं की रोटी और बाजरे की रोटी, ये थाली में मिलता है। और साथ में मिलता है दाल का पापड़, ये देख सकते हैं दाल का पापड़ और फ्राइड कुर्द की फली। ये पूरी थाली चोखो जीमर की। तो फिर हम सब खाते हैं इसे अभी और फिर ओनर से बात करेंगे। हाँ तो अंकल, बताइए आप इस चोखो जीमर के बारे में, इसमें कुछ क्या खास है, क्या इसमें ऐसा कुछ खास है? चोखो जीमर का मतलब है अच्छा भोजन। हम यहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन प्रोवाइड कराते हैं जो कि लेस ऑयली और स्पाइसी होता है, जो आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। राजस्थानी और जैन सेंटीमेंट्स को देखते हुए इसको प्रिपेयर किया जाता है। और टोटल यहाँ पर हमने राजस्थानी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, बैम्बूज, मट्टी, बांस के फर्नीचर के साथ में। और खाने की विशेषता ये है कि खाने के अंदर हम लोग घर के पिसे हुए मसाले यूज़ करते हैं और अपने लेडीज़, घर की लेडीज़ के सुपरविज़र में ही खाना बनवाया जाता है। और लेस, बिना प्याज और बिना लहसुन का खाना होता है, इसलिए बिल्कुल सात्विक होता है। और राजस्थानी में दाल बाटी चूरमा, ग्वार की फली जो आगरा में कहीं नहीं मिलती, आगरा क्या यूपी में कहीं नहीं मिलती, वो हमारे यहाँ मिलती है। खाने से पहले छाछ देते हैं, सर्दियों में गुड़ और बाजरे की रोटी भी प्रोवाइड कराते हैं, गट्टे की सब्जी वगैरह रेगुलर बनती है इससे, तो लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग इसको लाइक करते हैं। और ये बताइए कि चोखो जीमर यहाँ कब से खुला है? चोखो जीमर ईयर 2001 में हमने इस्टेब्लिश किया था इसको, जब से करीब 21-20 साल पूरा हो चुका है इसको, 21 साल चल रहा है, तब से लगातार अच्छी तरह सक्सेसफुली रन कर रहा है। और आज यूपी में और आसपास के शहरों में, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा में सब लोग इस नाम को जानते हैं और रेगुलर यहाँ पे विजिट करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस को देखें, वो लोग यहाँ पर आके एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ का आनंद लें। राजस्थानी एटमोसफियर में आपको शुद्ध सात्विक भोजन बहुत कम रिजनेबल प्राइसेस पर आपको मिलेगा। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। तो डेडी, कैसा लगा खाना, कैसा लगा आपको खाना यहाँ का? बहुत ही बढ़िया, उम्दा, मज़ा आ गया, जीवन क्वालिटी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही निकला। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया,
और अरिख में स्वाद था और लाजवाब। चोखू जीमन की क्या लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल दूंगा, इसके बारे में सब अच्छे से जाएगा। आपको आना हो तो आप आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल सब डाल दूंगा मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आने में। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग चोखू जीमन के बारे में। बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस है और बहुत ही लाजवाब खाना है, बहुत स्वादिष्ट है। आई होप आपको ये चोखू जीमन की जो ब्लॉग था आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल शेयर मैंने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसे जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए जगह के साथ, किसी नए फूड टेम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।